Uh, मेरा नाम खदीजा अख्तियार है और मेरा ताल्लुक टीच पाकिस्तान से है मेरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे सेफ होंगे अपने घरों में होंगे और खुद को और अपने आप को कोरोना वायरस की इस वबा से प्रोटेक्ट कर पा रहे होंगे जब कोरोना वायरस का पैंडमिक पाकिस्तान में हिट किया तो एक चीज़ जिसकी मेरे ख्याल है हम सब ने अक्रॉस द कंट्री एज इंडिविजुअल्स एंड देन ऑफ़ कोर्स आर स्टेट एंड देन द मेनी नॉन प्रॉफिट एंड एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट दैट वर्क अक्रॉस पाकिस्तान आई थिंक जो एक चीज़ हम सबको यूनाइट की वो ये ख्याल था कि इस वक्त हमारी जो सबसे मार्जनलाइज कम्यूनिटीज़ हैं जो हमारे सबसे जो हमारा सबसे गरीब तबका है Um, वो लोग जिनकी ज़िंदियाँ ऑलरेडी बहुत वनरेबल होती हैं उनको इस पेंडामिक ने कैसे हिट किया होगा और हम क्या कर सकते हैं उनके ऊपर इस पेंडेमिक का इम्पैक्ट मिटिगेट करने के लिए एंड सो आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी दैट हैज रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट जनरोसिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट पीपल है एक्टिव वे इन विच पीपल है एंड रिसोर्स टू ट्राई एंड एंश्योर के इन फैमिलीज़ के जो बेसिक नीड्स हैं वो मीट हो सकें इन वेरी सिमिलर फैशन टीशो पाकिस्तान के um, जो फैलोज़ हैं जो कि बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं लो इनकम कम्यूनिटीज़ में इस्लामाबाद में भी और पेशावर में भी उनका भी पहला रिस्पॉन्स यही था कि हम कैसे अपने बच्चों और उनकी फ़ैमिलीज़ की मदद कर सकें कि जिन मुश्किलों से ये इस वक्त गुजर रहे हैं वो मुश्किलात थोड़ा हम उनके लिए आसान कर सकें um, और बहुत जिम्मेदारी फील होती है हम सबको आई थिंक कि हमने इस टाइम के अंदर इन कम्यूनिटीज़ के um, के लिए जिन जिनको हम अपने पार्टनर्स मानते हैं हमारे सारे काम में हम उनके लिए कैसे खड़े होते हैं एट द सेम टाइम एज़ वी सार्ट टू टू वर्क ऑन दीज क्वेश्चन बेसिक नीड्स वी सार्ट टू रियलाइज इट परुल्डरस्टेंड वॉट वाट दीज नीड्स आर स्पेसिफिकली फॉर अ चाइल्ड इन अ लोन कम कम्यूनिटी जिसका स्कूल बंद है मार्च थर्टीन से जो कि एक इस, इस पेंडेमिक को ऑन देर ओन ऑन हिज ओन ऑन हर ओन समझने की कोशिश कर रहा है जिसकी ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो गई है जिसके इसकी जो जो डेली रूटीन्स थी वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं जिसके घर में अब एक एडिशनल उसकी फैमिली के ऊपर एक्स्ट्रीम फाइनेंशियल स्ट्रेन है जो कि शायद सोशल डिस्टेंसिंग मेकनिज़म उस तरह एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता जिस तरह मैं और आप कर सकते हैं इस बच्चे के ऊपर इस वक्त क्या गुजरी होगी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी लर्निंग इस वक्त कैसी दिखनी चाहिए और ये सवाल कि उसका उसके ख़ास तौर पर जो उसके अराउंड लोग हैं ख़ास पर उसके टीचर्स उनका इस टाइम में रोल क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है बहुत सारे ये सवाल हमारे लिए इमर्ज होने शुरू हो गए एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सो वन थिंग दैट वी वॉन्ट टू डू एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट टू contribute टू द वर्ल्ड इन दिस टाइम इज़ जो हम सीख रहे हैं जो स्टोरीज़ हम तक पहुँच रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वो उन्हीं टीचर्स की जबानी शेयर करना चाहते हैं जिनके इन बच्चों के साथ इतनी इज्जत के मोहब्बत के ट्रस्ट के रिश्ते हैं कि वो अभी भी इन इन्हीं रिश्तों की बिना पर एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं बात भी कर रहे हैं एक दूसरे को होप भी दिल दिलवा रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं कि जब ये क्राइसिस ख़त्म होगा तब हमने एक साथ किस तरह काम वापस अपना जारी रखना है और इस क्राइसिस में हम सबका क्या रोल है सिर्फ ना सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि हम हम आपस में सेफ़ रह सकें इंगेज रह सकें बल्कि हमारे अराउंड जितने भी लोग हैं हम हम उनकी भी वेल बींग की जिम्मेदारी उठा के ले सकें सो आई विल वेलकम यू एज वी आर गेटिंग दी स्टोरीज़ वे गोइंग टू बी कलेक्टिंग दम एंड शेयरिंग दम विद यू एंड आई वेलकम यू टू कम अलॉन्ग विद आस ऑन दिस लिटिल जर्नी एंड आई होप दैट वन यू लुक बैक इयर्स फ्राम नाउ ऑन द कोविड एक्सपीरियंस दैट वी ऑल वेंट थ्रू एज एज a country i hope that these stories will also be part of those permanent memories thank you